एवरीवन, स्वागत है जी सबदा अरोड़ा क्लासेस दे ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म ते। सो आई होप सब अच्छे होंगे। सो स्टूडेंट्स, थोड़ी ही डिमांड ते अरोड़ा क्लासेस लेके आ रहे हैं बिल्कुल नवा बैच पीएसटेट दा, जो कि बच्चे शुरू हो रहेगा 11 अप्रैल तो। तो डेट याद रखनी है सबने, तो 11 अप्रैल तो अपना बिल्कुल नवा बैच शुरू हो रहेगा, जिस दे विच थोनू डिटेल दे विच हर एक सब्जेक्ट दी बच्चे प्रिपरेशन करवाई जाऊगी। तो अगर तुसी बैच बाय करना चाहते होंगे तो तुसी कॉल कर सकते होंगे 7710104040 ते, या फिर तुसी डाउनलोड कर सकते होंगे अरोड़ा क्लासेस दा ऐप। तो ओदे विच बच्चे अगर तुसी डिस्काउंट आना चाहते हो, ठीक है, तो वैसे अपने को देखो बच्चे जो फीस है अपने को है 3500। अगर तुसी इस दे विच डिस्काउंट लाना चाहते होगे तो थोनू यूज करना पड़ेगा कूपन कोड AC529, तो थोनू मिल जाएगा इस ते 500 दा फ्लैट डिस्काउंट। एंड जेडे बच्चे इधर आके साडे कोल आके ऑफलाइन प्रिपरेशन करना चाहते हैंगे तो बच्चे उदा दी फीस रहेगी 11000। तो ध्यान रखियो ऑनलाइन वाले नू वैलिडिटी मिलेगी 12 मंथ दी, एंड ऑफलाइन वाले नू मिलेगी बच्चे 6 मंथ दी। सो इस दे विच बच्चे मैं थोनू मैथ्स करवाऊंगी, ठीक है जी। तो जेडे बच्चे बैच नू बिल्कुल बेसिक तरीके तो करना चाहते हैं, उन्होंने लगता है भी साडा थोड़ा मैथ्स वीक है, असी मैम बिल्कुल बेसिक तो करना चाहते हैं, तो जरूर बच्चे इस बैच नू तुसी बाय कर सकते हो, ठीक है जी। तो इस दे विच आप बिल्कुल बेसिक तो लैके एग्जाम लैवल तक टारगेट करांगे, सो डैट एग्जाम टाइम तक थोड़ा हर एक कंसैप्ट क्लीयर हो जाए। हाँ जी, ठीक है। अगर थोड़ा लगता है भी थोड़ी तैयारी हो गई है, मैम असी ना हूँ साड़ी तैयारी हो चुकी है, तो बस असी तो प्रैक्टिस करना चाहते हैं, सानू कुछ उस तरीके दे नाल दस दो, तो उन्होंने लिए भी बच्चे मैं डेली लगानी हाँ अपने कोल यूट्यूब ते 430 MCQs दी। तो इस दे विच आपां टॉपिक वाइज MCQs लगाने, टॉपिक वाइज, ठीक है, जिन्हें भी मोस्ट इंपोर्टेंट अपने कोल क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू दे नाल, तो उसनू आपां कर देंगे टॉपिक वाइज। प्लस अगर तुसी पैडागोजी करना चाहते हो तो तुसी डेली मेरे नाल जुड़ सकते होंगे 9:30, ठीक है जी। तो अगर तुसी कंटेंट करना चाहते हो तो डेली जुड़ सकते होंगे 4:30, एंड अगर तुसी सिर्फ और सिर्फ पैडागोजी करना चाहते हो तो 9:30, ठीक है जी। अगर तुसी चाहते हो कि भी मैम नहीं असी तो पूरा डिटेल दे विच करना है, सो बच्चे थोड़े लिए बिल्कुल नवा बैच शुरू हो रहेगा, इस दे विच थोनू हर एक चीज़ बिल्कुल डिटेल दे विच करवाई जाएगी, बिल्कुल इदा करवाया जाएगा यार, मतलब भी चलो ठीक है, कई होंगे ना भी मैम स्टार्टिंग सानू मैथ्स पहला औखा लगता सी, सानू नहीं समझ आता, सानू तो बिल्कुल बेसिक तो करवाओ, तो यार थोनू 2+2 भी दस्या जाएगा भी 4 होंगे, ठीक है ना। तो बिल्कुल टेंशन ना लो यार, इस बैच तो बाद थोड़ा जो मैथ का डर है बिल्कुल खत्म हो जाएगा। सो हाँ जी, ठीक है जी, तो चलो जी शुरू कर दे अज की क्लास। हेलो स्टूडेंट्स, किवें हो जी सारे। सो हाँ जी बच्चे, अज मैं लेके आई हूँ थोड़े लिए मैथ पैडागोजी दे होर क्वेश्चंस। सो जल्दी जल्दी सैशन को लाइक शेयर कर दो फटाफट, ठीक है जी, तो सारे दे सारे स्टूडेंट्स अपने नाल जुड़ जान, ठीक है। चलो शुरू करते हैं फिर। तो PDF थोड़ा बच्चे मेरे टैलीग्राम चैनल पर मिल जूगी, तो PDF के लिए तुम मेरा टैलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है जी। तो हाँ जी, तो फिर शुरू करिए अज का पहला क्वेश्चन, देखो की अपने को। फस्ट क्वेश्चन इज अजर्शन, अच्छा अजर्शन रीजन थे, ठीक है। अजकल ना अजर्शन रीजन के काफ़ी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, स्पैशली सीटेट, ठीक है, जो सीटेट का पैटर्न चल रहा है उदे विच अजर्शन रीजन के अजकल काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ईजी होंगे, कोई एड्डी गल नहीं होंगी। तो अजर्शन का मीनिंग होंगे बच्चे सिंपली स्टेटमेंट, ठीक है, एक स्टेटमेंट। तो रीजन, रीजन होंगे कि भी जो स्टेटमेंट दी है कि इसका रीजन बन रहा। सो कई बार तो इसका रीजन बन रहा होंगे, कई बार रीजन नहीं बन रहा होंगे, सो उसके अकॉर्डिंग अपने चीज़ को आंसर करना होंगे, ठीक है। अगर मैं स्टेटमेंट पढ़ा है ना, एजर्शन पढ़ी आप, मैथमैटिक्स प्रॉब्लम कैन बी सोल्व इन मल्टीपल वेज बाय यूजिंग मल्टीपल मैथड्स, कहते जो मैथ्स की प्रॉब्लम है, ठीक है, अलग अलग तरीकों के नाल अलग अलग वेज के नाल इन्हों की कर सकते हैं आप सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। एक ही है स्टेटमेंट है, हूँ इसका रीजन की दे रखे है, इस स्टेटमेंट का रीजन की दे रखे भी क्यों क्यों आप चीज़ सही है या गलत है ना। तो लैंग्वेज ऑफ मैथमैटिक्स इज कंसैप्चुअल एंड ऑलवेज यूज विद लॉजिक, कहते क्योंकि जो मैथ की लैंग्वेज होंगी है वह की होंगी कंसैप्चुअल होंगी है, ठीक है, कंसैप्ट बेस्ड होंगी है, ठीक है, एंड हमेशा की होंगी है लॉजिक्स के नाल यूज की जाती है। इसी करके जो मैथ की प्रॉब्लम आप कर सकते हैं अलग अलग वेज के नाल अलग अलग मैथड्स के नाल की कर सकते हैं सोल्व कर सकते हैं। हूँ अपने को ऑप्शन की ने, ए एंड आर इंडिविजुअली ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, भी ए ते आर की ने अलग अलग सही ने, ठीक है, ए आपकी जगह सही है, आर आपकी जगह सही है, ते आर ए दी करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, ठीक है, या फिर ए एंड आर इंडिविजुअली ट्रू एंड आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, कहते वैसे ए भी सही है स्टेटमेंट, आर भी सही है स्टेटमेंट, बट आर ए द
एक्सप्लेनेशन नहीं है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, ठीक है, या फिर ए सही है आर फॉल्स है, या ए फॉल्स है आर ट्रू है। तो सब तो पहला तो देखा जाए जो अजर्शन है कि ये सच है या झूठ है, तो ये बिल्कुल सच है क्योंकि आपको पता है आप मैथ की प्रॉब्लम नो अलग अलग तरीके दे नाल अलग अलग वेज दे नाल सॉल्व कर सकते हैं। अगर मैं सिंपली आर आर नो एज अ स्टेटमेंट रीड करा, लैंग्वेज ऑफ अ मैथमेटिक इज कंसेप्चुअल एंड ऑलवेज यूज्ड विद लॉजिक। जो मैथ दी लैंग्वेज है कंसेप्चुअल है तो हमेशा लॉजिक्स दे नाल यूज होंगे, ये भी चीज़ सही है। तो हूँ गल ये है कि आर इसका रीजन है या नहीं, ठीक है, कि यही रीजन है भी आप जो मैथ की किसी भी प्रॉब्लम नो मल्टीपल वेज दे विच सोल्व कर सकते हैं, तो बिल्कुल सही है क्योंकि ये जो अपने को चीज़ है कंसैप्चुअल है ना, तो कंसैप्ट तो एक कंसैप्ट तो होंदा नहीं है, किसी भी क्वेश्चन नो सोल्व करन दे लिए आप तीन तो चार कंसैप्ट किवें भी यूज कर सकते हैं, तो इसी करके मैथ्स ने किसी भी क्वेश्चन नो सोल्व करन दे लिए अपने को मल्टीपल वेज होंगे है। सो दोनों चीज़ा सही है, तो इसका आंसर की बन जूगा बच्चे, ए बन जूगा, ठीक है। सो इसका आंसर अपने को बन जाएगा ए बन जूगा, तो इसका आंसर की आ गया ए। ओके क्लियर है सभी नू? चलो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखो अपने को अजर्शन रीजन ते ये क्वेश्चन। Various studies in India show that there is a high failure rate of students in mathematics. The statement ये कह रही है, कहती जो बहुत सारी स्टडीज़ इदा दी हुई हैं जिदे विच पाया गया हैगा भी जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स है फेल होंगे कि मैथ, ठीक है, ये assertion है, स्टेटमेंट है। रीजन की है, इसका रीजन की दे रखी है, गर्ल्स डू नॉट हैव मैथमेटिकल एबिलिटीज therefore maximum girls fail in the mathematics। कहते क्योंकि कुड़ियों के ना इदा की एबिलिटी नहीं होंगी मैथ्स न जिदे करके ज़्यादातर गर्ल्स ही फेल होंगे मैथ्स के, ठीक है। सो यही इस स्टेटमेंट का रीजन दिता हुआ। तो सब तो पहले इंडिविजुअली देखते हैं आप भी कि ये इंडिविजुअली स्टेटमेंट सही है या फिर गलत है। तो बच्चे सब देखा जाए ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है ना, भी आपां नूं पता है ज़्यादातर बच्चे मैथ्स तो ही डरते हैं, तो ज़्यादातर बच्चे मैथ्स के विच ही फेल होंगे है, तो ये तो बिल्कुल सही है, ठीक है। बट जो अपने कोल रीजन दिता होया है एज अ स्टेटमेंट ही गलत है ना, एज अ स्टेटमेंट ही गलत है, भी इसकी करैक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं है तो बाद की गल है, ये सही ही नहीं है। ये कह रहे भी गर्ल्स में एबिलिटी नहीं हैगी मैथ्स नूं करन दी, ठीक है, ज़्यादातर गर्ल्स के मैथ्स नूं करन दी एबिलिटी नहीं हैगी, ये स्टेटमेंट ही गलत कह रहे हैं, ठीक है। तो ये रीजन इसका है या नहीं है तो बाद की गल होगी, ये स्टेटमेंट ही नहीं ठीक हैगी। सो अपने को चीज़ बन जूगी ए इज ट्रू आर इज इनकरैक्ट, ठीक है। तो अच्छे कह रहे हैं बहुत इनकरैक्ट नहीं, ए करैक्ट है बट अपने को आर इनकरैक्ट है, ठीक है। सो ए तो ठीक है भी ज़्यादातर स्टूडेंट्स मैथ के फेल होंगे क्योंकि उन्होंने मैथ में लैके एनजाइटी होंगी है ना, तो यह भी पढ़िया हुआ अपन भी मैथ्स में लैके एनजाइटी क्यों होंगी है उसके अबस्ट्रैक्ट नेचर करके है ना, क्योंकि मैथ्स का नेचर ही इदा है तो जिदे करके बच्चे ज़्यादा एनजाइटी होंगी है मैथ्स में लैके। सो इसका आंसर की बन जाएगा टी, क्लीयर टू ऑल। चलो नेक्स्ट देखिए, मैथमेटिकल कम्युनिकेशन रेफर्स टू, जो मैथ दी कम्युनिकेशन है संचार है ना, तो कम्युनिकेशन बच्चे मैं तुम्हें पहला भी दस्या होया है कम्युनिकेशन का मतलब होंगे है सिर्फ अपनी लैंग्वेज तो नहीं होंगे भी बच्चा इंग्लिश दबा के बोल रहा है कि नहीं है ना, ज़्यादातर आपको लगता है भी कम्युनिकेशन मतलब जो इंग्लिश के फटाक फटाक गल्ला कर सकते हैं। सो कम्युनिकेशन का मतलब ये नहीं होंगे, कम्युनिकेशन का मतलब होंगे भी अपनी गल दूजे तक पहुँचाना किसी भी तरीके, ठीक है। बट अपनी गल जो आप सोच रहे हैं जो अपने जुबान पर है जिमें आप सोच रहे अगले तक भी अपने आपकी गल उसी तरीके पहुँचाना, दैट इज़ अ कम्युनिकेशन, ठीक है। तो इतने मैथामैटिकल कम्युनिकेशन किनों रैफर कर रही है, ठीक है, तो एबिलिटी टू सोल्व प्रॉब्लम्स भी मैथामैटिकल कम्युनिकेशन का मतलब है भी जिदे मैथामैटिकल कम्युनिकेशन अच्छी कहते की होगी क्वेश्चन सोल्व कर ज़्यादा एबिलिटी होगी, ठीक है, या फिर स्किल्स टू पार्टीसपेट आ मैथामैटिक्स, या फिर एक हुनर होगा मैथ्स के क्यूजिज के पार्टीसपेट कर, या फिर एबिलिटी टू स्पीक इन मैथामैटिक क्लासरूम, या फिर की आजगी एक एबिलिटी आजगी मैथ्स के क्लासरूम के बोलन की, या फिर ability to consolidate and organize mathematical thinking, या फिर ओदे विच एक एबिलिटी होएगी चीज़ों इकट्ठा करन दी, ठीक है, उन्होंने ऑर्गेनाइज करन दी मैथ
मैथ्स थिंकिंग नू, है ना, मैथ्स थिंकिंग नू, जो मैथ्स दी जो सोच है, मैथ्स दी सोच नू लैके उहदे विच इक अजिही एबिलिटी होएगी उह चीज़ां नू कि इकट्ठा कर सके, ठीक है, उहनां नू उसी तरीके दे नाल ऑर्गेनाइज फॉर्म दे विच सोच सके, कर सके। सो मैथामैटिकल कम्यूनीकेशन कीहड़ी चीज़ नू रैफर कर रही है, इह चार ऑप्शनस दे विचों, इह चार ऑप्शन दे विचों कीहड़ी चीज़ है। सो देखो साफ पता लग रहा है मैथामैटिकल कम्यूनीकेशन दा, मैं जो तुहानू मतलब दस्सिया होया है भी जो अपने सोच विचार है ना, जो अपनी सोच है वो ही अपनी सोच अपनी अपनी लैंग्वेज के थ्रू दूसरे तक पहुँचाना, तो ये वो चीज़ कौन कर पाऊगा जिदे अंदर एक ऐसी एबिलिटी है जो सारी चीज़ों समेट सके, ऑर्गेनाइज कर सके, एक ऑर्गेनाइज वे दे विच की कर सके, उन्होंने लगा सके, जचा सके, तो उस तो बाद उन्होंने पेश कर सके। सो इसका मतलब की आ जाएगा बच्चे, एबिलिटी टू कंसोलीडेट एंड ऑर्गेनाइज मैथमैटिकल थिंकिंग, ठीक है। सो इसका आंसर की बन जाएगा अपने को, डी, गणित की सोच में एक सार अते संगठन करने की समर्था, ठीक है, उसनू इकट्ठित करने की एक एबिलिटी। सो इसका आंसर की बन जाएगा अपने को, ऑप्शन डी। सो इसका आंसर की बनेगा अपने को, ऑप्शन डी, क्लियर। चलो बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। सो अज ज़्यादातर क्वेश्चन जो अपने हैं अजर्शन रीजन दी है, ठीक है, चलो। हाँ जी, अजर्शन द गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज, ठीक है, अजर्शन एंड द अदर वन इज एज द रीजन, ठीक है। तो चलो अजर्शन की है, लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स इज सिंबोलिक इन नेचर, जो मैथ दी लैंग्वेज है वो की है सिंबोलिक एंड नेचर दे विच, ठीक है, एंड इस दा रीजन की दे रखे है, स्टेटमेंट एंड कंसेप्ट्स कैन बी एक्सप्रेस यूजिंग सिंबल्स, क्योंकि जो स्टेटमेंट्स है कंसेप्ट्स है असी सिंबल्स नू यूज करके ज़्यादा एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। तो हाँ जी, तो सब तो पहले आप देखिए भी अपने को बोथ ए एंड आर ट्रू, या फिर इन करैक्ट एक्सप्लेनेशन पूछी नहीं हुई, ठीक है, या फिर ए ते आर दोनों फॉल्स ने, ए ट्रू है आर फॉल्स है, या ए फॉल्स है आर ट्रू है। सो हाँ जी स्टूडेंट, थोड़े अकॉर्डिंग की आएगा इसका आंसर, ए बी सी या फिर डी, ए बी सी या फिर डी। तो अजर्शन है लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स सिंबोलिक इन नेचर, सो हाँ ये सही है बिल्कुल, है ना, आपां नूं पता है मैथ्स की जो लैंग्वेज है वो की है नेचर दे विच काफ़ी सिंबोलिक है, सिंबल्स आपां ज़्यादातर यूज करते हैं, ईवन कि वर्ड प्रॉब्लम्स नूं भी आपां सिंबल्स दे विच की कर लैंदे आ, कन्वर्ट कर लैंदे आ, है ना। तो जो अपने वर्ड प्रॉब्लम्स होंदे उन्हां नूं भी आपां की कर लैंदे आ, जिवें अपने लीनियर इक्वेशन हो गई, ठीक है जी, उन्हां नूं आपां की करदे आ सिंबल्स दे विच कन्वर्ट कर लैंदे आ। सो ए की अपने कोल ट्रू है, रीजन देखिए, अगर आप इसका रीजन देखिए, स्टेटमेंट्स एंड कंसेप्ट्स कैन बी एक्सप्रेस यूजिंग सिंबल्स, तो यह भी सही है भी जो स्टेटमेंट्स है, जो स्टेटमेंट अपनी या फिर कंसैप्ट है असी सिंबल्स के थ्रू इन्हों की कर सकते हैं एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो दोनों ही चीज़ा ट्रू ने, तो इसका आंसर की आ जाएगा, ए एंड आर आर ट्रू, अजर्शन भी सही है तो रीजन भी सही है। सो इसका आंसर की बनेगा बच्चे अपने को, ऑप्शन ए, क्लियर सभी नू। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, Which one of the following characteristic of the mathematical language is most appropriate? तो इस दे विचों केड़ा एक ऐसा करैक्टर है जो सब तो ज़्यादा सही है मैथ्स नू लैके, मैथ्स दी लैंग्वेज नू लैके केड़ी चीज़ है जो बिल्कुल एग्जैक्ट है, मतलब ठीक है, कहिंदे मैथ दी लैंग्वेज की वीक है, कमज़ोर है, ठीक है, प्रिसाइज है, बिल्कुल सही है, मतलब एग्जैक्ट आंसर कट के दोगी आपां नू, ठीक है, प्रोलिक्स है, प्रोलिक्स का मतलब हो गया भी वर्ड ही, है ना, काइंड ऑफ वर्ड ही, मतलब जिदे विच बहुत सारे वर्ड्स यूज किए हो, है ना, तो प्रोलिक्स दे हो जाता है, रिजिड मतलब सख्त, है ना, भी मतलब फिक्स है, ठीक है। सो देखा जाए तो यार केड़ी चीज़ बिल्कुल अपने कोल एप्रोप्रिएट है मैथ्स दी लैंग्वेज नू लैके, सो वीक तो नहीं है, है ना, कमज़ोर तो नहीं है मैथ्स दी लैंग्वेज, मैथ्स दी लैंग्वेज तो बहुत ज़्यादा अपने कोल की है प्रिसाइज है, है ना। सो आप कह सकते हैं जो मैथ्स दी लैंग्वेज है वो की है बहुत ज़्यादा प्रिसाइज है, सो बहुत ज़्यादा सही है, अपन एग्जैक्ट एक आंसर दे के देंगे बिल्कुल शुद्ध आंसर, है ना। तो मान लो अपन स्टेटमेंट पढ़ के चीज़ें नहीं समझ आ रही, है ना, जिमें कि आप ज़्यादातर क्वेश्चन करते होंगे लीनियर इक्वेशन दे विच भी फादर दी एज इज टू टाइम्स ऑफ हिज सन आफ्टर 5 ईयर्स उहदी एज इन्नी होगी, सो ये चीज़ों को आप की करते हैं मैथ्स लैंग्वेज दे विच ही तो कन्वर्ट कर लें, तो ये हेल्प के नाल अपने को जो आंसर आंदा बिल्कुल प्रिसाइज फॉर्म के आंदा बिल्कुल एग्जैक्ट आंदा है। सो इसका आंसर की हो जाएगा बच्चे, ऑप्शन बी,
ठीक है। ईवन कि जो मैथ्स दी लैंग्वेज है उस स्टेटमेंट नु की कर देंदे स्मॉल करन दे विच हेल्प करदी है, तो वर्डी तो किसी तरीके दे नाल भी नहीं हुई, ठीक है, वर्डी तो किसी तरीके दे नाल भी नहीं हुई, प्रोलिक्स है ना, तो प्रोलिक्स भी कैंसल हो गया, सो इस आंसर की बन जाएगा बी, ठीक है, सो इस आंसर की बनेगा बी। तो हाँ जी बच्चे क्वेश्चन नंबर सिक्स का आंसर नु तुसी मैनु कमेंट बॉक्स दे विच दसोगे, ठीक है, तो जरूर दसना भी अज दी क्लास भी किवें लगी। सो क्वेश्चन की अपने कोल, कंसीडर द करेक्ट स्टेटमेंट इन द कंटेक्सट ऑफ द मैथमेटिकल लैंग्वेज, तो मैथ्स की लैंग्वेज को लेकर कौन स्टेटमेंट सच है, सो इसका आंसर तुसी मैनु कमेंट बॉक्स से जरूर दस्यो। सो हाँ जी आई होप अज वाली क्लास सबनों अच्छी लगी होगी, सो स्टूडेंट्स ओके दैन बाय, वेरी थैंक यू सो मच, गुड नाइट। हेलो स्टूडेंट्स किवें लगी बच्चे अज की क्लास, सो आई होप सबनों अज वाली क्लास अच्छी लगी होएगी, तो अपने वैल्यूएबल कमेंट्स जरूर देना कमेंट बॉक्स के विच, एंड अगर सैशन अच्छा लगे हो इस जरूर लाइक एंड शेयर करना, सो डैट होर स्टूडेंट्स भी इसका फायदा उठा सकन। हाँ जी, तो अगर तुसी कोई भी बैच बच्चे बाय करना चाहते हो तो थोनू जाना पेगा प्ले स्टोर ते जाओ, प्ले स्टोर ते जाके इस आइकन वाला ऐप तुसी डाउनलोड करना है, डाउनलोड करन तो बाद इस ऐप नू तुसी ओपन करो, ओपन करन तो बाद बच्चे थोड़े कोल आएगा कोर्सेज, ठीक है, तो इतने आएगा थोड़े को नीचे बिल्कुल कोर्सेज आएगा, कोर्सेज से क्लिक करन तो बाद ठीक है थोड़े को सारी दी सारे कोर्सेज दी लिस्ट ओपन हो जाएगी, या फिर तुसी की अपना कोर्स इतने जाके सर्च कर सकते होंगे, तो जो भी तुसी कोर्स नू बाय करना चाहते हो चाहे पी एस टेट चाहे जे बी टी चाहे मास्टर कैडर एनी ऑफ द बैच, ठीक है जी, तो उस कोर्स से क्लिक करन तो बाद बच्चे थोड़े को आएगा पेमेंट डिटेल्स, ठीक है, तो इतने पेमेंट डिटेल्स आएगी, पेमेंट डिटेल करन तो पहला इतने लिखा होएगा हैव अ कूपन कोड, तो कूपन कोड अप्लाई कर देना AC529, जे तुसी कूपन कोड अप्लाई कर दोगे AC529 तो थोनू मिल जाएगा इसते 500 का डिस्काउंट, तो 500 का थोनू डिस्काउंट मिल जाएगा, इस दे नाल थोड़ा फायदा होएगा, ठीक है जी, तो जरूर इस कूपन कोड नू अप्लाई करना, अगर तुसी कूपन कोड अप्लाई नहीं करोगे तो थोनू ऑफ नहीं मिलेगा, ठीक है जी, तो चलो प्लस जेड़े स्टूडेंट्स आईफोन यूजर्स है बच्चे उसने भी बिल्कुल सेम ही है, बस तुसी की करना हैगा माई इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड करना है, ORG कोड पूछेंगे, ORG कोड की जगह पुट कर देना है ARC, उससे भी तुसी यूज कर सकते हो कूपन कोड AC529, अगर तुसी कूपन कोड यूज करोगे तो थोनू इससे भी मिल जाएगा 500 का डिस्काउंट, हाँ जी ठीक है जी, तो ओके बाय बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच।